बरेली के प्रेमनगर थाने में एक पेन ने बवाल करवा दिया। एक छोटा सा पेन काफी बड़ी वजह बन गया हंगामे की। देखिए मामला ये था कि यहां पर बीजेपी के युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष पहुंचे थे थाने में कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें मैसेजेस पर कोई गंदी गंदी गालियां भेज रहा था। इसकी शिकायत करने के लिए पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो थाने में पुलिसकर्मियों ने कहा कि वो अपनी तहरीर दे दे लिखकर, लेकिन जना पेन लाना भूल गए। फिर क्या था, मुंशी ने पेन देने से मना कर दिया और इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के कोषाध्यक्ष ने यहां पर कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वहां पर बुला लिया। काफी झड़प हुई, काफी नोकझोंक हुई, कॉलर तक पकड़ा गया बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष का, यानी कि हरीश गौतम का। और उसके बाद वाद विवाद इतना बड़ा कि थाना अध्यक्ष को मौके पर पहुंचना पड़ा और इस पेन से शुरू हुए विवाद के चलते माफी मांगनी पड़ी मुंशी की तरफ से उनको। क्योंकि बात यह भी सामने आई कि टेबल पर पेन रखा हुआ था, लेकिन मुंशी ने कह दिया कि उसके पास मार्कर है, पेन नहीं है। और इसी बात को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष हंगामा करने लगे। तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए, कहा कि इस बात को उच्च अधिकारियों तक लेकर जाएंगे। पर उसके बाद बात को सुलझाने के लिए थाना अध्यक्ष आ गया और माफी मांगी मुंशी की तरफ से। तो ये पूरा मामला था, यानी कि अगर आप पेन लेकर नहीं जाते तो ऐसा हंगामा और ऐसी स्थिति भी बन सकती है।